कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जिस क्षमता के साथ इन्हें चलना चाहिए उस क्षमता से नहीं चलते, तो उसके लिए क्या कमी है, कौन जिम्मेदार है। निरंतर में हमारे थर्मल पावर के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ का दौरा करेंगे, जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं उनको दूर करेंगे, और रिपीटेड कोई फेल्योर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराएंगे, और उसमें जांच करके अगर उसमें कहीं कोई कमियाँ पाई गई है तो उनको दोषी हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और मैं देख रहा हूँ समीक्षा करेंगे अभी, और अगर निरंतर एक ही जगह पर कोई किसी भी सीट पर कोई जमे हुए हैं तो उनको भी देखेंगे कि एक स्थान पर कोई ज़्यादा दिन तक ना रह करके कम से कम रिशफलिंग होती रहे अधिकारियों की, ताकि उनमें कार्य के प्रति उनकी जो क्षमता है वो बनी रहे। और आज मैंने देखा पिछले 8-10 दिन पहले भी एक यूनिट में ट्यूब लीकेज की शिकायत थी, फिर पिछली परसों के दिन फिर शिकायत आई है, इसीलिए मैं यहाँ चेक करने आया हूँ। जो भी कमी है या कारण है उसकी जांच करवा करके बार बार फेल बराबर सामने घटिया कोयले की सप्लाई घटिया प्लांट बना हुआ, प्लांट वॉश कोयले के हिसाब से बना हुआ है, कोयला वॉश नहीं रहा, बार बार खराब होता है। घटिया कोल का मतलब ये है, देखिए ये जो सुपर क्रिटिकल कोल जो प्लांट बने हैं इनके लिए एक स्पेसिफाई कोल की माइंस हमें अलॉट हुई है, परसा माइंस जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से वास्ट कोल हमें मिलना चाहिए, और उसकी ग्रेडिंग जिस ग्रेडिंग के साथ वो 4200 की उसमें मिलना चाहिए, वो न मिल के और कहीं दूसरी यूनिट से मिलता है तो फिर वो तकलीफ होती है। पिछले दिनों क्या कारण रहे समझ में नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के राज में जहाँ हमारी जो परसा माइंस थी वो नहीं चलने के कारण, वो बंद होने के कारण, दोनों जगह एक ही सरकार होने के कारण वो हमें वहाँ से कोयल नहीं मिल रहा था काफ़ी दिनों से, उसके कारण हम महानदी का दूसरा कोल जो कोल इंडिया से ले रहे थे उसकी क्वालिटी कमज़ोर थी और वो महंगा भी आता था। इसलिए मैंने सबसे पहले ये प्रयास किया कि हमारी पुरानी माइंस जो हमें जिससे ये यूनिट्स जिसके लिए डिज़ाइन है वहाँ से कोल आएगा तो निश्चित है कि हमारी यूनिटें पूरी क्षमता से चलेगी। अब वो माइंस चालू हो गई है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया, वो भी दिल्ली जाके उन्होंने कोल मिनिस्टर से बात करी, अच्छा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और वो हमारी माइंस से चालू हो गई, तो वो कोल अब आना शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ पिछले 10-15 दिन में आने वाले में पूरी क्षमता के साथ आने लग जाएगा। हमारी एक दो माइंस और हमें मिलनी चाहिए, उनका भी पोजीशन मिल जाएगा तो हमारे लिए आगे तक के लिए सुनिश्चितता हो जाएगी कि हमें कोयले की कमी नहीं है। सर आपने एक आरोप लगाया कि पिछली सरकार में जो कोयला जो घोटाला हुआ है, जो खराब कोयला आया है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं सर? देखिए इन्होंने अब क्यों वो माइंस से बंद हुई, सारी परमिशनों के बाद भी वो नहीं चल पाई और उसमें उनको रोक दिया गया, अभी हमने भी कह के चालू करवाया, किसी तरह की कोई नई परमिशन की जरूरत नहीं थी, केवल सरकार ने आदेश दिए और उसका पोजीशन हमें मिल गया, चालू हो गया। मतलब गुणवत्ता और मात्रा सरकार के लेवल से डिसाइड होती है, यहाँ पर कोयले की क्राइसिस बनी रहती है, हमेशा पूरी मात्रा मिल ही नहीं पाता है। जो कोल्स माइंस परसा कोल्स माइंस है वहाँ अच्छी गुणवत्ता का कोल हमें मिलता है, वो बंद हो जाने से हमें जो महानदी कोल से मिला, जो दूसरे कोल से मिला वो घटिया कोल था और उसकी वजह से ये तकलीफें हो रही थी, और वहाँ कोई न कोई कारण रहा होगा, इनके अपने वेस्ट इंटरेस्ट रहे होंगे, उसकी भी जांचें होंगी समय आने पर। लेकिन अब हमें कोल की वजह से पूरे राजस्थान में किसी भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं। सर एक सोलर कहीं न कहीं ये देखा गया है कि जिस क्षमता के साथ इन्हें चलना चाहिए उस क्षमता से नहीं चलते, तो उसके लिए क्या कमी है, कौन जिम्मेदार है। निरंतर में हमारे थर्मल पावर के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ का दौरा करेंगे, जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं उनको दूर करेंगे, और रिपीटेड कोई फेल्योर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराएंगे, और उसमें जांच करके अगर उसमें कहीं कोई कमियाँ पाई गई है तो उनको दोषी हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और मैं देख रहा हूँ समीक्षा करेंगे अभी, और अगर निरंतर एक ही जगह पर कोई किसी भी सीट पर कोई जमे हुए हैं तो उनको भी देखेंगे कि एक स्थान पर कोई ज़्यादा दिन तक नारा करके कम से कम रिशफलिंग होती रहे अधिकारियों की, ताकि उनमें कार्य के प्रति उनकी जो क्षमता है वो बनी रहे। और आज मैंने देखा पिछले 8-10 दिन पहले भी एक यूनिट में ट्यूब लीकेज की शिकायत थी, फिर पिछली परसों के दिन फिर शिकायत आई है,
इसीलिए मैं यहाँ चेक करने आया हूँ। जो भी कमी है या कारण है उसकी जांच करवा करके बार बार फेल बराबर सामने घटिया कोयले की सप्लाई घटिया प्लांट जो बना हुआ प्लांट वॉश कोयले के हिसाब से बना हुआ है, कोयला वॉश नहीं रहा, बार बार खराब होता है। घटिया कोल का मतलब ये है, देखिए ये जो सुपर क्रिटिकल कोल जो प्लांट बने हैं इनके लिए एक स्पेसिफाई कोल की माइंस हमें अलॉट हुई है, परसा माइंस जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से वास्ट कोल हमें मिलना चाहिए और उसकी ग्रेडिंग जिस ग्रेडिंग के साथ वो 4200 की तो मिलना चाहिए, वो ना मिल के और कहीं दूसरी यूनिट से मिलता है तो फिर वो तकलीफ होती है। पिछले दिनों क्या कारण रहे समझ में नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के राज में जहाँ हमारी जो परसा माइंस थी वो नहीं चलने के कारण, वो बंद होने के कारण, दोनों जगह एक ही सरकार होने के कारण वो हमें वहाँ से कोयल नहीं मिल रहा था काफ़ी दिनों से। उसके कारण हम महानदी का दूसरा कोल जो कोल इंडिया से ले रहे थे उसकी क्वालिटी कमज़ोर थी और वो महंगा भी आता था, इसलिए मैंने सबसे पहले ये प्रयास किया कि हमारी पुरानी माइंस जो हमें जिससे ये यूनिट्स जिसके लिए डिज़ाइन है वहाँ से कोल आएगा तो निश्चित है कि हमारी यूनिटें पूरी क्षमता से चलेगी। अब वो माइंस चालू हो गई है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया, वो भी दिल्ली जाके उन्होंने कोल मिनिस्टर से बात करी, अच्छा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और वो हमारी माइंस से चालू हो गई, तो वो कोल अब आना शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ पिछले 10-15 दिन में आने वाले में पूरी क्षमता के साथ आने लग जाएगा। हमारी एक दो माइंस और हमें मिलनी चाहिए, उनका भी पोजीशन मिल जाएगा तो हमारे लिए आगे तक के लिए सुनिश्चितता हो जाएगी कि हमें कोल की कमी नहीं है। सर आपने एक आरोप लगाया कि पिछली सरकार में जो कोयला जो घोटाला हुआ है, जो खराब कोयला आया है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं सर? देखिए इन्होंने अब क्यों वो माइंस से बंद हुई, सारी परमिशनों के बाद भी वो नहीं चल पाई और उसमें उनको रोक दिया गया, अभी हमने भी कह के चालू करवाया, किसी तरह की कोई नई परमिशन की जरूरत नहीं थी, केवल सरकार ने आदेश दिए और उसका पोजीशन हमें मिल गया, चालू हो गया। मतलब गुणवत्ता और मात्रा सरकार के लेवल से डिसाइड होती है, यहाँ पर कोयले की क्राइसिस बनी रहती है, हमेशा पूरी मात्रा मिल ही नहीं पाता है। जो कोल्स माइंस परसा कोल्स माइंस है वहाँ अच्छी गुणवत्ता का कोल हमें मिलता है, वो बंद हो जाने से हमें जो महानदी कोल से मिला, जो दूसरे कोल से मिला वो घटिया कोल था और उसकी वजह से ये तकलीफें हो रही थी और वहाँ कोई न कोई कारण रहा होगा, इनके अपने वेस्ट इंटरेस्ट रहे होंगे, उसकी भी जांचें होंगी समय आने पर। लेकिन अब हमें कोल की वजह से पूरे राजस्थान में किसी भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं। सर एक सोलर कहीं न कहीं ये देखा गया है कि जिस क्षमता के साथ इन्हें चलना चाहिए उस क्षमता से नहीं चलते, तो उसके लिए क्या कमी है, कौन जिम्मेदार है? निरंतर मैं हमारे थर्मल पावर के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ का दौरा करेंगे, जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं उनको दूर करेंगे और रिपीटेड कोई फेल्योर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराएंगे और उसमें जांच करके अगर उसमें कहीं कोई कमियाँ पाई गई है तो उनको दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और मैं देख रहा हूँ समीक्षा करेंगे अभी, और अगर निरंतर एक ही जगह पर कोई किसी भी सीट पर कोई जमे हुए हैं तो उनको भी देखेंगे कि एक स्थान पर कोई ज़्यादा दिन तक नारा करके कम से कम रिशफलिंग होती रहे अधिकारियों की, ताकि उनमें कार्य के प्रति उनकी जो क्षमता है वो बनी रहे। और आज मैंने देखा पिछले 8-10 दिन पहले भी एक यूनिट में ट्यूब लीकेज की शिकायत थी, फिर पिछले परसों के दिन फिर शिकायत आई है, इसीलिए मैं यहाँ चेक करने आया हूँ। जो भी कमी है या कारण है उसकी जाँच करवा करके बार बार फेल बराबर सामने घटिया कोयले की सप्लाई घटिया प्लांट जो बना हुआ प्लांट वॉश कोयले के हिसाब से बना हुआ है, कोयला वॉश नहीं रहा, बार बार खराब होता है। घटिया कोल का मतलब ये है, देखिए ये जो सुपर क्रिटिकल कोल जो प्लांट बने हैं इनके लिए एक स्पेसिफाई कोल की माइंस हमें अलॉट हुई है, परसा माइंस जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से वास्ट कोल हमें मिलना चाहिए और उसकी ग्रेडिंग जिस ग्रेडिंग के साथ वो 4200 की मिलना चाहिए, वो ना मिल के और कहीं दूसरी यूनिट से मिलता है तो फिर वो तकलीफ होती है। पिछले दिनों क्या कारण रहे समझ में नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के राज में जहाँ हमारी जो परसा माइंस थी वो नहीं चलने के कारण, वो बंद होने के कारण, दोनों जगह एक ही सरकार होने के कारण वो हमें वहाँ से कोयल नहीं मिल रहा था काफ़ी दिनों से,
उसके कारण हम महानदी का दूसरा कोल जो कोल इंडिया से ले रहे थे उसकी क्वालिटी कमजोर थी और वो महंगा भी आता था। इसलिए मैंने सबसे पहले ये प्रयास किया कि हमारी पुरानी माइंस जो हमें जिससे ये यूनिट्स जिसके लिए डिजाइन है वहाँ से कोल आएगा तो निश्चित है कि हमारी यूनिटें पूरी क्षमता से चलेगी। अब वो माइंस चालू हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया, वो भी दिल्ली जाके उन्होंने कोल मिनिस्टर से बात करी। अच्छा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और वो हमारी माइंस से चालू हो गई। तो वो कोल अब आना शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ पिछले 10-15 दिन में आने वाले में पूरी क्षमता के साथ आने लग जाएगा। हमारी एक दो माइंस और हमें मिलनी चाहिए, उनका भी पोजीशन मिल जाएगा तो हमारे लिए आगे तक के लिए सुनिश्चितता हो जाएगी कि हमें कोल की कमी नहीं है। सर, आपने एक आरोप लगाया कि पिछली सरकार में जो कोयला जो घोटाला हुआ है, जो खराब कोला आया है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने अब क्यों वो माइंस से बंद हुई, सारी परमिशनों के बाद भी वो नहीं